साहब हमें पत्र आ गया, प्रेम पत्र आ गया स्वास्थ्य मंत्री का, गुजरात में ही एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जाने वाले हैं। और आप जानते हैं ये सरकारी कार्यक्रम सिर्फ दिखने भर के लिए होता है, सिर्फ बजट सरकार से आता है, ये राजनीतिक कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, लाखों लोग उसमें भी आने वाले हैं। आप चिंतित क्यों नहीं है उन भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए जो गुजरात के प्रमुख स्वामी की शताब्दी में रोज जा रहे हैं, 4 लाख प्रतिदिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, आपको चिंता नहीं उन भक्तों की? प्रमुख स्वामी हम सबके आदरणीय हैं, उनके भक्त हम सबके लिए आदरणीय हैं, आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं? आपको सिर्फ चिंता राहुल गांधी की है, सिर्फ चिंता भारत जोड़ो यात्रा की है, सिर्फ चिंता कांग्रेस पार्टी की है? तो यह सवाल G20 के आयोजनों का, पूरा तैयारी हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही है, क्या उन 20 शहरों में हो रही है, क्या उनकी चिंता नहीं है आपको? तो जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, जैसा कि हुडा साहब ने कहा, ये पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से बाज आइए, मेडिकल प्रोटोकॉल लाइए, साइंटिफिक प्रोटोकॉल लाइए, सब पालन करेंगे जैसे कि किया था। ये कोरी राजनीति है, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं। अभी त्रिपुरा में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की रैली थी, भीड़ कैसे जुटाते हैं वो लोग हम और आप जानते हैं, लेकिन भीड़ जुटाई थी, उनकी चिंता नहीं थी आपको? तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, G20 में लोग जाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में लोग जाएंगे, और प्रमुख स्वामी के भक्तों की चिंता आपको नहीं होगी, उनमें वहां भी लोग जा रहे हैं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा आंख में खटक रही है प्रधानमंत्री को।